और लेकिन इधर मेरे को देखने को मिला रे बाबा, कुछ खोया तो कुछ पाया भी। ये देखो इंद्रधनुष। जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में और मैं हूं आप लोगों का दोस्त ऑल इंडिया बाईसाइकिल राइडर साकेत। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो जो दिखाया था वहां पे मैं दिखाया था कि मैं 12 बजे रात को पहुंच गया था मैं उस जगह पे जहां पे हमको जाना था। मैं लौट के आया था, आप लोगों को पता होगा, तो मैं धनुषकोटी से लौट के आया था और वहाँ से भाई मैं कैसे कैसे करके पहुँच चुका हूँ, फाइनली कन्याकुमारी में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से कन्याकुमारी मात्र 5 किलोमीटर दूर है और मैं जा रहा हूँ सनराइज देखने। और अभी देख रहे हो यहाँ का मौसम कुछ इस तरह है, ये देखो कैसा मौसम हो चुका है रे बाबा। और इधर ना बारिश भी मेहरबान हो चुका है, ये देख सकते हो पूरा इधर पूरा ये मेघ लगा हुआ है, जिसके कारण ना मुझे डर भी लग रहा है। और इधर पूरा पहाड़ था और इधर ही एक पेट्रोल पंप है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इधर है एक पेट्रोल पंप, तो इधर ही मैं रहा था। और देख रहे हो सनराइज होने वाला, मैं जल्दी जल्दी उठ चुका हूँ ताकि मैं जल्दी जाऊँ कन्याकुमारी के बीच पे और मैं सनराइज भी देख सकूँ। लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जितना जल्दी हो सके मैं करता हूँ। और इधर हवा इतना तेज़ चलता है ना भाई, पूछो मत। हवा के कारण मेरा ना यात्रा बहुत लेट हो रहा है, मैं अपोजिट साइड जा रहा हूँ हवा के इसी कारण। और अभी देखो गाड़ी उड़ी कैसे जा रहा है, मौसम बड़ी झकास हो चुका है भाई। और ये अपना बिल्लो है, तो चलो मैं फाइनली लेकर आप लोगों को चलता हूँ और मैं इधर ही जाऊँगा, इधर से फिर ऐसे करते हुए जाऊँगा, जल्दी जल्दी मैं पहुँच जाता हूँ क्योंकि मुझे देखना है सनराइज। तो चलो भाई साहब आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो मैं फाइनली नहीं पहुंच पाया कन्याकुमारी का बीच पे, और लेकिन इधर मेरे को देखने को मिला रे बाबा, कुछ खोया तो कुछ पाया भी। ये देखो इंद्रधनुष, वाह यार क्या मस्त दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग। और इधर ना ये देखो पूरा हो चुका है सनराइज, तो मैं सनराइज नहीं दिखा पाया आप लोगों को, ये मुझे माफ कर दे। लेकिन ये देखने को मिल गया मेरे को, ये देखो दो ठो दिख रहा है, अब पहले एक था अब दो दिखने लग रहा है। मजा आ गया। तो भाई लोग देखो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये कन्याकुमारी का एकदम लास्ट पॉइंट है और यहाँ से वो म्यूजियम है स्वामी विवेकानंद वाला म्यूजियम। और ये एक तमिल का बहुत बड़ा क्या कहते हैं ये कवि था उसका है, मैं पूछता हूँ भैया से ये कवि का नाम क्या था, ये पोइट का कवि का नाम बहुत फेमस कवि है साउथ इंडिया का, बहुत फेमस कवि है भाई इसका। ये दोनों जाने वाला था लेकिन आज इतना यहाँ पर वेव चल रहा है, पूछो मत, बावर लग रहा है, उठा उठा के पटा कर देखना आएगा। देखो इधर देखो कितना जोर जोर से चल रहा है, ये ऊँचा उठ रहा है, इसी कारण ना आज बंद है। तो भाई मेरा किस्मत ही खराब था, इसी कारण हम नहीं जा पाए, लेकिन कभी अगली बार आऊँगा तो जरूर इस जगह पर मैं जाऊँगा। और यहाँ से देखो कन्याकुमारी का पूरा सीन है, और इधर एक चर्च है और वहाँ पर देवी कन्या का मंदिर है जिसके नाम पर कन्याकुमारी रखा गया है, ये जो लाल कलर का आप लोग देख रहे हो वो। और इधर भी एक चर्च है भाई, और पूरा ये देख रहे हो कन्याकुमारी है पूरा। और उधर देखो बादल पहाड़ के नीचे से होते हुए जा रहा है, और यहाँ से व्यू देखना बहुत अच्छा है। और जब मैं आ रहा था तो सबसे पहले वही मैं देखा था वहाँ पर, और देखो यहाँ से क्या नज़ारा है। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर अपने तिरंगे के साथ मैं फ़ोटो खिंचा लिया और मैं साइकिल को वहीं पर छोड़ दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर नहीं ला सकते। देख सकते हो आप लोग कैसा रोड है इसी कारण,
और यहाँ पर लोग आके एकदम बहुत मस्ती कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये भैया हमको बहुत मदद किए हैं, अपना नाम बता दीजिए। ये बहुत मेरे को मदद किया है यहाँ पर, इसके लिए एक लाइक कर देना। और मैं बता दूँ यहाँ पर ना मैक्सिमम तमिल लोगों को भी हिंदी आती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट एरिया है ना, इसीलिए। जबकि मैं कोलीमलाई गया था वहाँ पर उतना इंग्लिश नहीं आता था, क्योंकि कोलीमलाई बहुत ऊँचा है और वहाँ पर लोग बहुत कम जाता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ पर भी आप लोगों को जाना चाहिए, जो कि रासीपुरम के साइड है, तो आप लोग भी वहाँ पर जाइएगा। और कन्याकुमारी आना तो हर किसी को सौभाग्य नहीं होता है भाई, और यहाँ पे आके इंडिया का सबसे साउथ पॉइंट पे आके फ़ोटो खिंचाना अपने आप में एक गर्व का बात होता है। तो मैं साइकिल से आया, आप लोग भी कभी ना कभी ज़रूर आइएगा इस जगह पे। तो चलो मैं लेके चलता हूँ उधर, और आप लोगों को और चीज़ भी दिखाता हूँ कन्याकुमारी में। ये देखो भाई, ये इसीलिए नहीं आज चल रहा है बोट ना। तो दोस्तों मुझे लगा था कि आज फेरी चालू होगा नहीं, लेकिन फाइनली भाई लगभग 2-3 घंटा के बाद फेरी चालू हो गया था। और आप लोगों को 75 रुपया लगेगा दोनों साइड आने और जाने के लिए। और वहाँ पर है म्यूजियम, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि ध्यान लगाया था, और उस म्यूजियम में जाने के लिए आप लोगों को 10 या 20 रुपये ऐसे फिर से आप लोगों को देना पड़ेगा, और बाहर चप्पल रख के आप लोगों को जाना पड़ेगा। और वहाँ पे अंदर जो है वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को नहीं दिखा सका। और वहाँ पर ध्यान लगाने वाला भी बना दिया गया है, तो वहाँ पर बच्चा का अलाउ नहीं है, सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही जा सकते हैं। और दूसरा वहाँ पर मंदिर भी है, जहाँ पे बोला जाता है कि माँ जो पार्वती थे वहाँ पर ध्यान लगाए थे, और वहाँ पर उसका पादुका चिन्ह भी है। तो वो सब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों आप लोगों को 75 रुपए में शायद दोनों जगह ले जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद म्यूजियम और दक्षिण भारत के महान कवि तिरुवालुवार के स्टैच्यू के पास। लेकिन काम चालू होने के कारण स्टैच्यू तक फिलहाल नहीं ले जा रहा था। दोस्तों ये है वो मंदिर जो माता पार्वती को समर्पित है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पर एक ऊंचे चबूतरे पर तपस्या किया था। और दोस्तों ठीक इसके विपरीत दिशा की ओर स्वामी विवेकानंद म्यूजियम है, जो कि ऐसा लगता है कि मानो कोई महल हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर फोटोग्राफी करना सख्त मना है। हालांकि मैं बता दूं म्यूजियम के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति के साथ साथ उसके गुरुओं की मूर्ति और वो स्थान अंकित है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से लौटकर यहां पर कुछ दिनों के लिए ध्यान लगाया था। दोस्तों म्यूजियम के पीछे से आपको इतना मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, पूछिए मत। जब आप यहां पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो शरीर का हर एक अंग मस्ती करने के लिए रोमांचित हो उठा हो। लेकिन दोस्तों जब आप यहां के तेज लहरों को देखेंगे तो आप अपना इरादा बदलने को मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस जगह से समस्त कन्याकुमारी का सुंदर सा मनमोहक सा दृश्य देखने को मिलता है। जब आप इस जगह से कन्याकुमारी को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा सचमुच में इंडिया सबसे अलग है, और साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो कि हम बहुत खुशनसीब है कि ऊपर वाले ने इंडिया में हमें जन्म दिया। लेकिन दोस्तों हमारा कैमरा अच्छा नहीं होने के कारण हम आपको अच्छा से शायद हम नहीं दिखा सके, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 से 4 तालाब मिल जाएंगे जिसमें मछली फूल लगा होगा, शायद ये पानी का उपयोग पीने के लिए भी पहले उपयोग करते होंगे। कन्याकुमारी के पास, और ये है इंडिया का सबसे दक्षिणी पॉइंट, और यहीं पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पहुँचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, और ये अगर मेरा सपना साकार हो जाए तो वो
खूबसूरत है। और इधर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तीन चीज का मिलन होता है, एक बे ऑफ बंगाल, एक अरब सागर का और दूसरा हिंद महासागर का, यहीं पर होता है मिलन। और इधर ये मंदिर है पीछे एक देख रहे हो, यहीं पर है कन्या देवी मंदिर, यानी माँ पार्वती का मंदिर है। और कहा जाता है कि ऐसा, जैसा कि मैंने पिछला बताया था कि यहाँ पर माँ पार्वती कुछ समय तक तपस्या की थी। अपना साइकिल इधर देखो ये, और भाई साहब यहाँ पे आके इतना मजा आ रहा है पूछो मत, सब नहा रहा है लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा। यहाँ पर मैं साइकिल लाना बहुत दिक्कत है रे बाबा, इधर से मैं लाया हूँ और इधर से भी एक रास्ता है पता नहीं, लेकिन मैं इधर से लाया। और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बना हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर वूटर करके रखा है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो नज़ारा, और इधर देखना कितना ज़ोर ज़ोर से वो बेग आता है, पूरा एकदम बात तेरी, ये इस पर हाथ मारेगा देखना, ये तेरी देखे देखा कैसे कैसे चलता है रे बाबा इधर, ये देखो पूरा लोग मुझे देखने आ जाएंगे किधर से आए हो भाई, यही पूछेगा सब लोग याद। यहीं पर गया था अपन लोग तब, सब यहाँ पे आके फोटो खिंचा रहे हैं, मैं खिंचा लूंगा अपने तिरंगा के साथ। सब हमारे यात्रा का ये दक्षिणी पॉइंट समाप्त हो गया है, अब यहाँ से फिर से हम पहले जाएंगे पश्चिम, पश्चिम से फिर जाएंगे उत्तर, उत्तर जाऊंगा लद्दाख, लद्दाख में हमें जाना है एक जगह जो दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क है, वहाँ पर मेरा विजिट करने का प्लान है, देखते हैं हो पाता है या नहीं, और कब तक हो पाएगा वो नहीं कह सकते मैं, क्योंकि ये साइकिल से ना बहुत टाइम लग रहा है। और यहाँ पर अपना साइकिल रख दिया हूँ और अब मैं जाऊँगा घूमने, और अभी तक मैं खाना उना नहीं खाया हूँ यार, घूमने के चक्कर में सबसे पहले मैं ताला मार देता हूँ और ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।